हमेशा चर्चाओं में रहने वाले विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। लंडौरा के बवाल के बाद चैंपियन ने एक बेतुका बयान दे डाला है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ताजा मामला रुड़की का है, जहां चैंपियन ने एक पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड पुलिस को नामर्द करार दिया है। चैंपियन ने बड़ी बेबाकी से कहा कि लंडौरा बवाल के बाद हिंदू समाज इतने गुस्से में है कि मुस्लिमों के घरों में आग लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, कहता हूँ आपने अपने राइफल बंदूक और कट्टे देसी उठा के ले और पुलिस पर गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो सिविल वॉर, नो प्रॉब्लम, एक सिविल वॉर कंडीशन हो जाए, मुजफ्फरनगर बोली क्या दिक्कत, हाँ तो उससे बड़ी हो जाएगी। वहां तो मर्द पुलिस है, यहाँ की पुलिस तो नामर्द है, उत्तराखंड की पुलिस तो नामर्द है, यहाँ तो बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी बात हो, करना होता तो पहली तारीख की रात को कर देता हूँ, मेरे कोई बड़ी बात नहीं, मुझे सिर्फ 100 फोन करने पड़ते आगरा से लेकर के नोएडा तक, नोएडा से लेकर सहारनपुर बिजनौर तक, उसी में काम हो जाता। कुछ ऐसी कौम है कि 100 को काटती है, काटने पर आ जाए, इकट्ठी होकर नहीं चलती, अकेले चलते हैं शेर की तरफ। थूकता हूं मैं, धिक्कार है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर, धिक्कार करता हूं मैं। और आज अगर हिंदू समाज इकट्ठा हो गए, मुसलमानों के घरों में आग लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं होगा। आज जो मेरे साथ हुआ है, मुजफ्फरनगर का बाप बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आ रहे हैं और मेरे रुकने से नहीं रुक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से हिंदू आ रहे हैं, खाली गुजर नहीं आ रहे, हिंदू समाज आ रहा है। और मुझे कह रहे हैं कि तू कायर है, तू काहे का शेर है, हरामजादा है, कमीना है, क्यों नहीं आया तू, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद।